वेलकम टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन कम्युनिटी के सेकेंड वीक के टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के चर्चित मुद्दों पर आधारित होगा। ये हमारा सेकेंड वीक का टॉपिक है, बदलते परिवेश में छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास। पहले हफ्ते का विषय क्या था? पहले हफ्ते का विषय छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन सिस्टम पर था। उस पर हमने एनालाइज भी किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद इस सेकेंड वीक के टॉपिक पर भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन कम्युनिटी में पोस्ट किया है। देखिए, एक बात यहाँ पर समझिएगा कि डिस्कशन कम्युनिटी का मतलब क्या है। डिस्कशन कम्युनिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप वहां पर गए, एक पोस्ट रख दिया और उस पोस्ट का एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो मिल गया आपको। सिर्फ उतना डिस्कशन कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्कशन कम्युनिटी का मतलब यह है कि वहां पर जाइए, आप अपना पोस्ट रखिए, आप अपना विचार रखिए, आप अपनी जो भी वहां पर आप या ऐसे राइटिंग पूरा कंप्लीट लिखकर पोस्ट कर रहे हो तो करो, लेकिन इसके अलावा वहां पर जो बाकी लोगों ने भी पोस्ट किया है आप उसको एनालाइज करो, उसको देखो कि आपने जो लिखा है और दूसरों ने जो लिखा है उसमें कमियां किस प्रकार से है, या फिर आप उसे और बेहतर किस प्रकार से कर सकते हो। तो वहां दूसरे के कमेंट्स को आप पढ़ो और अगर आप चाहो तो उसके कमेंट्स पर भी रिप्लाई करो, ठीक है? तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है डिस्कशन कम्युनिटी पर आप लोगों का। अगर अभी तक आपने डिस्कशन कम्युनिटी पर किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं किया या डिस्कशन कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, और नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टेलीग्राम पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़िए और वहाँ आप एक बेहतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक डिस्कशन कम्युनिटी से नहीं जुड़ा है, आप लोग फटाफट जाइए और डिस्कशन कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा, ठीक है? तो हम लोग इस टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी टॉपिक को आप जब एनालाइज करते हो या फिर जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आता है जिस पर आपको उत्तर लेखन करना हो, तो उस टॉपिक को सबसे पहले समझो, आराम से समझो। एक मिनट का टाइम दो, दो मिनट का टाइम दो, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। इस क्वेश्चन को समझो और इस क्वेश्चन की सबसे पहले फ्रेमिंग करो। फ्रेमिंग करने का सबसे ज्यादा लाभ पता है क्या मिलता है? कि आप जितना पूछा गया है उतने ही पर रहोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आंसर राइटिंग के समय रास्ते से नहीं भटकोगे। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक लिखते हो तो सबसे पहले आप रफ पेज में एक या दो मिनट में उसको फटाफट फ्रेमिंग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो इस टॉपिक को किस तरह से फ्रेमिंग कर सकते हैं? जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था रिजर्वेशन वाले में, कि उसमें हम तीन तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं इस टॉपिक को तीन तरीके से ना फ्रेम करके इस टॉपिक को पूरा एक साथ लेकर आज चलने वाला हूं, ठीक है? यानी कि बदलते परिवेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ में खेती और ग्रामीण विकास, ये टॉपिक पूरा आज मैं एक साथ लेकर चलूंगा। हाँ, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपको वहां पर आ जाते हैं पेपर में और क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको वहां पर समझने के लिए इसकी फ्रेमिंग को तोड़ सकते हो। बदलते परिवेश का मतलब निकालने के लिए इसको तोड़ दो, छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को तोड़ दो, दो तरीके से तोड़कर भी आप इसे समझ सकते हो। लेकिन इस टॉपिक को आज मैं यहां पर एक ही पूरा पैटर्न पर लेकर चलने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को फ्रेम कर लेते हैं। तो फ्रेमिंग में सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। पिछली बार भी मैंने बोला था और हर बार बोलूंगा कि अगर ऐसे लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में एक बहुत सा प्यारा सा कोट होना चाहिए। जैसे कि डिस्कशन कम्युनिटी पर किसी ने लिखा था, ये था जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनका एक कोट है कि भारत की समृद्धि का रास्ता गाँव और खेतों से होकर गुजरता है। इस कोट को देखो, इस कोट ना, यह जो कोट है ना, आपके पूरे टॉपिक को कवर कर लेता है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये कोट मुझे बहुत प्यारा लगा। हालांकि आप अपने हिसाब से कुछ भी कोट वहाँ डाल सकते हो, महात्मा गांधी के भी कोट डाल सकते हो या फिर और किसी के द्वारा महत्वपूर्ण कोट अगर होगा तो उस तरह से भी आप डाल सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भारत की समृद्धि का रास्ता गाँव और खेतों से होकर गुजरता है, ठीक है? अब इस इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन को हो सके तो दो पार्ट में बदलना। पहला पार्ट इसका बदलता परिवेश होगा। बदलता परिवेश यानी कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। तो बदलते परिवेश को आप यहां पर मेरे हिसाब से तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो अर्थव्यवस्था का बदलाव, बदलते परिवेश का मतलब खेती और ग्रामीण विकास से बदलते परिवेश का है ना, इसको कहीं और मत ले जाइएगा। इसमें तीन तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। अर्थव्यवस्था का बदलाव यानी कि ग्रामीण विकास और खेती से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए, पहले किस प्रकार से थे, अभी किस प्रकार से है, तो छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर आप दे सकते हो। प्रौद्योगिकी बदलाव यानी कि टेक्नोलॉजी चेंजेस से किस प्रकार से खेती में बदलाव हुआ है, जलवायु परिवर्तन यहाँ पर। तो इस तरह से तीन परिवेश को आप यहाँ पर यानी कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पर। बेसिक इंट्रोडक्शन का कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में
कुल कितना प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये आपके 76.76% के आसपास। और छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, तो लगभग 80% है। ये आपका 2018 और 19 के आर्थिक सर्वेक्षण में ये सब आंकड़े मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो कितना आई थिंक 17.21% होगा 2018-19 के आप अगर आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा देखोगे तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दो तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो एक तो बदलते परिवेश को थोड़ा थोड़ा एकदम एक एक लाइन में डिफाइन कर दो, अर्थव्यवस्था का बदलाव, प्रौद्योगिकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा बेसिक इंट्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ की जनरल इंट्रोडक्शन डाल दो, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित, जैसे यहाँ पर जनसंख्या हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, यहाँ पर टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, तो इस तरह से एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद इस इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट फ्रेमिंग होगा ना, वो किस तरह से होगा, इस बात को समझिएगा। ये बदलता परिवेश जो है ना, और इस बदलते परिवेश में मैंने जो तीन टॉपिक लिखा है, अर्थव्यवस्था का बदलाव, प्रौद्योगिकी बदलाव यानी कि टेक्नोलॉजी चेंजेस, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस, इस तीन टॉपिक को शुरू से लेकर आखिरी तक पकड़ते हुए चलो। कैसे पकड़ते हुए चलोगे मैं आपको बताता हूं। इस बदलते परिवेश में मैंने तीन टॉपिक लिखा, अर्थव्यवस्था का बदलाव, प्रौद्योगिकी बदलाव, और जलवायु परिवर्तन। अब इसी तीनों टॉपिक पर हमारा ये पूरा टॉपिक डिस्कस होगा, इन्हीं तीनों पॉइंट्स में अब हमारा पूरा टॉपिक डिस्कस होगा। कैसे डिस्कस होगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इस बदलते परिवेश के इन तीन पॉइंट से इसको पूरा कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास, क्योंकि बदलते परिवेश के हिसाब से ही हमें इसको डिफाइन करना है। तो बदलता हुआ परिवेश का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों सेक्टर में अर्थव्यवस्था में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, या फिर कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से बदल रहे हैं, प्रौद्योगिकी बदलाव किस तरह से होने की, पहले टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज कर सकते हैं, आज कैसे कर रहे हैं, तो इस तरह से होगा इसमें चीजें। और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होगा, सबसे पहले आप इस तीन पॉइंट को डिफाइन कर दो थोड़ा सा ब्रीफ में। कैसे डिफाइन करोगे मैं बताता हूं। अर्थव्यवस्था का बदलाव, अर्थव्यवस्था का बदलाव अगर आप पहले देखते होगे तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता था पहले ज्यादा होता था, बहुत पहले। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, तो उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो करता था। और आज के समय में अगर देखोगे तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। टर्शियरी सेक्टर का कहने का मतलब यह है सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से एग्जाम्पल देकर खेती और ग्रामीण विकास में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है, अर्थव्यवस्था को किस तरह से बदला है, आप इसको यहां पर डिफाइन कर दो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इसके अलावा प्रौद्योगिकी बदलाव में किस तरह से पहले इरिगेशन सिस्टम हुआ करते थे, अब इरिगेशन सिस्टम किस प्रकार से है। इसके अलावा और प्रौद्योगिकी में अगर देख लो तो पहले किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी यूज किए जाते थे, तो किस तरह से इसमें चेंजेस आए हैं, तो इसको थोड़ा सा यहां पर डिफाइन करो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या लिखोगे, पहले किस प्रकार से फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, अब किस प्रकार से फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, इन फर्टिलाइजर्स के यूज करने से किस तरह से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो ये सब सारी चीजों को आप यहां पर डिफाइन कर दो। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब यह है कि फ्रेमिंग करते समय कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढो जिसको पकड़कर आपको शुरू से लेकर अंत तक चलना है। तो जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो इस बदलते परिवेश को आप तीन तरीके से डिफाइन करके इस छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को पूरी तरह से वहां पर एनालाइज कर दो। तो इसमें जो मैंने पॉइंट चूज किए वो तीन तरह से चूज किए, एक अर्थव्यवस्था का बदलाव, प्रौद्योगिकी बदलाव, जलवायु बदलाव। अगर आपको यहाँ पर कुछ बेहतर पॉइंट्स और नजर आते हैं तो इसमें आप चौथा भी बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब सेकंड स्ट्रक्चर में इस बदलते परिवेश के तीनों चीजों को आप दो दो लाइन में वहां पर डिफाइन कर लोगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये तीनों चीजों को आप वहां पर डिफाइन कर लेना। अब तीसरे स्ट्रक्चर में भी आपको इसको पकड़कर ही चलना है। कैसे चलना है ये मैं आपको बताता हूं। तीसरे स्ट्रक्चर में यानी कि तीसरा जो पॉइंट होगा इस फ्रेमिंग का, इन तीनों सेक्टर्स में छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को तीन सेक्टर में डिवाइड करके आप लिखोगे,
कि छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन कौन से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ किसानों को लाभ पहुंच रहा है। तो इन स्कीम्स को भी आप लोग यहां पर इन तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में बदलाव। तो इस तरह से खेती और ग्रामीण विकास में अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए किस तरह से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कर्ज माफी की गई उसका मेंशन कर सकते हो। दूसरा, एमएसपी को मेंशन कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से धान पर 2500 रुपये का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके अलावा तेंदुपत्ता को भी मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ 4000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से यहाँ पर इस चीज़ों को दिया जा रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था वाले में ही आप यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मेंशन कर सकते हो और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, मनरेगा को जोड़ सकते हो, इस स्कीम को भी यहां पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा और कौन सी स्कीम ऐड कर सकते हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस स्कीम को भी यहां पर ऐड कर सकते हो अर्थव्यवस्था के बदलाव में। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस टॉपिक में आप तीसरे पॉइंट पर जो फ्रेमिंग करते रहोगे तो सरकारी योजनाओं को लिखोगे, लेकिन सरकारी योजनाओं को भी यहां पर तीन तरीके से डिवाइड कर दोगे। एक अर्थव्यवस्था में बदलाव से संबंधित हो जाएगा, एक प्रौद्योगिकी बदलाव से संबंधित हो जाएगा, और तीसरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। तो यहां पर अर्थव्यवस्था में के बदलाव में इस तरह से इन स्कीम्स को आप डिफाइन कर सकते हो। और इन स्कीम्स के अलावा अगर आपके पास में लगता है कि और कुछ बेहतर स्कीम्स है तो आप उसे भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में जब सेकंड पॉइंट पर लिखोगे तो आप यहां पर प्रौद्योगिकी बदलाव यानी कि टेक्नोलॉजी चेंजेस किस प्रकार से हुए हैं छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास में, तो यहां पर क्या चीजें आप ऐड करोगे। सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम पे अगर कुछ लिखोगे तो सौर सुजला योजना यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से इरिगेशन सिस्टम में बदलाव के लिए सौर सुजला योजना को लाया गया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, कुसुम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, जैसे छत्तीसगढ़ की सौर सुजला योजना वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कीम चलाया जा रहा है उसी स्कीम का नाम है कुसुम योजना। इसके अलावा जीवन ज्योति योजना को भी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बदलाव के लिए सरकार के द्वारा जो जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। या फिर अगर किसी तरह से कुछ टेक्नोलॉजी पर जैसे सब्सिडी दिया जाए, जैसे ट्रैक्टर पर दिया जाता है या इरिगेशन सिस्टम के लिए जो पाइपें होती है उस पर भी सब्सिडी दिया जाता है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उस पर भी सब्सिडी दिया जाता है, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी बदलाव में जो जो सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई गई हैं उसको लिखो। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप ये तीन पार्ट में इसको क्यों डिवाइड करोगे, पूरा तीन ही इन पॉइंट्स पे आपका पूरा टॉपिक कैसे डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से भटकोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे यहां यहां लिखना है। अब जैसे सपोज समझ लो कि आप इसको फ्रेमिंग नहीं करोगे तो एक स्कीम आपने अर्थव्यवस्था से संबंधित लिख दिया, दूसरा स्कीम आपने प्रौद्योगिकी से संबंधित, तीसरा स्कीम जलवायु से संबंधित, और इसको कहीं भी मेंशन कर दोगे। तो कहने का मतलब यही है कि इस टॉपिक यानी कि बदलते परिवेश में छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को इस बदलते परिवेश के हिसाब से आप तीन पार्ट में डिवाइड करके चलना। अगर आपको यहां पर जैसे मैंने बोला भी कि अगर कुछ और बेहतर पॉइंट्स नजर आते हैं तो आप यहां पर बिल्कुल ऐड कर सकते हो। अब यहां पर तीसरा सरकार की स्कीम्स में जलवायु परिवर्तन की जब आप मेंशन करोगे तो आप यहां पर एक छत्तीसगढ़ की जो अभी वर्तमान समय में महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, नरवा गरवा बाड़ी यहां पर एक बहुत सही एग्जांपल हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, नरवा का मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार ने टारगेट रखा है कि पूरे प्रदेश की 1000 से अधिक जो सूख चुके छोटे नाले हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। तो पुनर्जीवित किया जाएगा तो उससे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो घुरवा है, इसमें घुरवा किस तरह से आप एग्जांपल में डाल सकते हो, कंपोस्ट खाद की बात की गई है, ठीक है। तो जिस तरह से फर्टिलाइजर्स यूज करने से जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो अगर घुरवा के तहत में कंपोस्ट खाद विकसित किए जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बेनिफिट मिल सकता है जलवायु परिवर्तन को रोकने में। इसके अलावा आप यहाँ पर बाड़ी, अब इस बाड़ी में इस घुरवा के कंपोस्ट खाद को यूज़ करने की बात की जा रही है, तो इस तरह से अगर बाड़ी भी डेवलप किए जाते हैं तो यहाँ भी एक बहुत मात्रा में जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की इस स्कीम को आप जलवायु परिवर्तन में जरूर मेंशन करना। इसके अलावा और अगर कुछ स्कीम्स की बात करूं तो एक स्कीम दंतेवाड़ा में खासकर चलाया जा रहा है, मोचो बाड़ी योजना, ये है जो आपका जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। इस स्कीम को आप लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा किसान समृद्धि योजना, इस स्कीम को भी आप लोग यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन में भी जितने स्कीम्स आते हैं आप यहां पर उसको इंट्रोड्यूस कर देना। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, इस फ्रेमिंग का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और दूसरे पार्ट में हमने इस टॉपिक के यानी कि बदलते परिवेश में छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को
तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था हमारा अर्थव्यवस्था का बदलाव, दूसरा पार्ट था प्रौद्योगिकी बदलाव, तीसरा पार्ट था जलवायु परिवर्तन। उसमें हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया और उसके बाद हमने इन्हीं तीनों टॉपिक पर सरकार द्वारा कौन कौन से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं वो चीज़ों को हमने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पार्ट, इस फ्रेमिंग के चौथे पार्ट में क्या होगा, फिर से यही तीनों चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर इस तीनों चीज़ों से रिलेटेड हमने सरकार की योजनाएं बता दी। अब उस सरकार की योजनाओं में चुनौतियां किस प्रकार से हैं वो यहां पर लिख देना। ठीक है, जितने भी स्कीम्स को आपने ऊपर मेंशन किया है उसी स्कीम के आधार पर यहां पर सरकार के समक्ष किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं, आप इस पॉइंट पे आप यहां पर डिफाइन करो। इसके बाद जब आपकी चुनौतियां हो जाएंगी, चुनौतियां समझ गए ना, जो आपने सरकार की योजनाएं रखी, अब उसी योजनाओं के आधार पर सरकार के समक्ष किस प्रकार से चुनौतियां हो सकती हैं, इनको फुलफिल करने के लिए उन सारी चीज़ों को आप वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो लास्ट का मेन पार्ट आता है आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस वाले पार्ट में कोशिश कीजिएगा हमेशा एक कोट ऐड करने का। ठीक, तो इसमें कोट किस तरह से हो सकता है मैं आपको वो बता देता हूँ। एक कोट मुझे अच्छा लगा, महात्मा गांधी का ये कोट था, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गाँव का विकास ही देश का विकास करेगा। तो इस तरह से आप कोट का इस्तेमाल कर सकते हो, ना सिर्फ महात्मा गांधी का कोट बल्कि अगर आपको कुछ और अच्छे कोट मिलते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो चुनौतियाँ किस प्रकार से होंगी, देखो चुनौतियों में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था स्लो डाउन की तरफ जा रही है और इस स्लो डाउन अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर भी नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे देश की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नीचे की ओर जा रही है, तो सबसे पहली बात आप ये मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर देख लोगे तो कृषि के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, और ये मुश्किल जो है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ये चुनौतियाँ बल्कि पूरे देश भर में है। आज अगर हम दूसरे देश को देख लेते हैं, अगर हम डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो किस तरह से वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इनोवेट किया गया, तो इस तरह से आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी चैलेंजेस में भी कंक्लूजन में डाल सकते हो, यानी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी पिछड़ापन को भी यहाँ पर अपने कंक्लूजन में डाल सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत यहाँ पर कंक्लूजन में आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है कि हर किसान की आमदनी जो है वर्ष 2022 तक डबल हो जाएगी, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रतिबद्ध है। अपने किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी कई प्रकार से पहल किए गए हैं, तो आप यहां पर कंक्लूजन में अपना ओन ओपिनियन दे सकते हो या फिर अपना सलाह दे सकते हो और कह सकते हो कुछ सलाह के आधार पर कि कैसे 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुना किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसको ग्राउंड लेवल पे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तो इन सारे आधार पे आप वहां पर कुछ ना कुछ अपना कंक्लूजन रखकर भी इसे आप बेहतर तरीके से खत्म कर सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, बदलते परिवेश में छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास, मतलब कि इस बदलते परिवेश में ही आपको वहां पर पूरा फ्रेमिंग कर लेना है और उसी फ्रेमिंग के आधार पे आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि हमने कितने टाइप से फ्रेमिंग किया एक बार फिर से लास्ट में मैं इसको आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप इसको ध्यान में रखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब चूंकि पूरे बदलते परिवेश में छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को हमको डेवलप करना था, तो सबसे पहले हमने इस बदलते परिवेश को यहाँ पर तीन तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि अर्थव्यवस्था का बदलाव हो गया पहला पॉइंट, उसके अलावा दूसरा पॉइंट में हो गया प्रौद्योगिकी बदलाव, तीसरा पॉइंट में हो गया जलवायु परिवर्तन। आपको भी कुछ बेहतर पॉइंट्स अगर नजर आते हैं तो आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद हमने इन तीनों चीज़ों को डिफाइन किया कि किस तरह से इन तीनों चीज़ों के बदलाव से छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ रही है या फिर उनके सामने किस प्रकार से चुनौतियाँ हैं। उसके बाद हमने इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर सरकारी योजनाओं को बांट दिया, वहाँ पर उसके बारे में लिख दिया और उसके बाद जो है चुनौती लिख दिया कि यानी कि इन्हीं तीनों पॉइंट्स के आधार पर सरकार के समक्ष किस प्रकार से चुनौतियां हैं छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से हमने वहां पर चुनौतियां भी लिख दी। और उसके बाद हमने लास्ट में कंक्लूजन में ऐड किया कि जिस तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, तो यह भी हमने कंक्लूजन में डाला, टेक्नोलॉजी पिछड़ापन भी डाला। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा पॉइंट हमने कंक्लूजन में डाला कि अगर देश को 2022 तक देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को अगर 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगनी करनी है तो उसके लिए अपना एक ओन ओपिनियन भी यहाँ पर रख सकते हैं।
फैक्ट्स के साथ में। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। मेनली हमने इसके फ्रेमिंग को समझा है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम आपको यहाँ पर सिर्फ फ्रेमिंग बताएंगे कि किस तरह से आप इस टॉपिक को फ्रेम कर सकते हो, एक ओपिनियन रखेंगे, एक मत रखेंगे आपके सामने कि किस तरह से इस टॉपिक को फ्रेम किया जा सकता है। बाकी लिखना आपको खुद ही है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने का पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि एक आपके सामने ओवरऑल व्यू रखा जाए कि आप अगर इस तरह से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको इस टॉपिक को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी सबकी लिखने की शैली अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है। हो सकता है मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट में आपको डिफाइन किया, तो इसमें से कुछ और एक बेहतर पॉइंट्स को आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे डिस्कशन कम्युनिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो या भी किसी तरह से कोई नोटिफिकेशन हो, आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो नेशनल इश्यूज पे जो टॉपिक आपको डिस्कशन कम्युनिटी में दिया गया था, उस डिस्कशन कम्युनिटी के टॉपिक को आकाश सर उस टॉपिक पर आप लोगों से डील कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो भी टॉपिक रहेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का तीसरे हफ्ते का टॉपिक आ जाएगा और नेशनल इश्यूज के आपके दूसरे हफ्ते का टॉपिक आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। दोस्तों तक शेयर करोगे तो वो भी आकर अपना वहाँ पोस्ट करेंगे, तो आप उनके पोस्ट को भी पढ़ सकते हो, उस पर कुछ सुझाव भी दे सकते हो और अपने पोस्ट को और बेहतर बना सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और प्रयास करते रहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करते रहें। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।